हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट सम है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दैट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दीज टर्म्स। आपको 5 टर्म्स दे रखे हैं, आपको इनको इससे डिवाइड करके अपने रिमाइंडर को बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा पहला टर्म दे रखा है उसे जीरो लेट कर लेते हैं। लेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू प्लस का वन, वहां जाकर इंटरचेंज हो जाएगा, वहां पर जाकर ये माइनस का हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस वन। इस माइनस वन को आप इस पॉलिनोमियल में पुट अप करोगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। आप इन सारे टर्म में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके अपने इस पॉलिनोमियल में पुट अप कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। इसके लिए आपको इक्वल में जीरो रखना पड़ेगा ताकि आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो हम वैल्यू रख देते हैं अपने पॉलिनोमियल में। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये दे रखा है, ओके। अब हम एक्स की जगह पे माइनस वन पुट अप करते हैं, माइनस वन को थ्री टाइम्स लिखेंगे तो माइनस का वन आएगा, माइनस वन को टू टाइम्स लिखेंगे तो प्लस का वन, प्लस माइनस माइनस थ्री बन जा थ्री, प्लस वन माइनस वन थ्री बन जा थ्री, माइनस थ्री प्लस वन, प्लस माइनस क्रॉस हो गया, प्लस माइनस क्रॉस है ना, माइनस प्लस माइनस थ्री थ्री जीरो, माइनस प्लस माइनस वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो। तो हमारा सॉल्यूशन जीरो आया, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो हमारा जीरो है। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है, रिमाइंडर और भी कोई भी इंटीजर आ सकता है। तो इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है एक्स माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू में जीरो सपोज करते हैं, एक्स की वैल्यू वन बाई टू निकलेगी, जहां जहां पर एक्स है वहां पर वन बाई टू पुट अप करेंगे, वन बाई टू क्यूब थ्री वन बाई टू स्क्वायर प्लस थ्री वन बाई टू प्लस वन, ओके। वन को थ्री टाइम्स करेंगे तो वन ही आएगा, टू को थ्री टाइम्स करेंगे तो एट, वन को टू टाइम्स वन, टू को टू टाइम्स फोर, थ्री वन जा थ्री अपॉन टू प्लस वन, वन अपॉन एट, थ्री अपॉन फोर, थ्री अपॉन टू, वन अपॉन वन। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे सबका, एट आएगा, एट यहां पर एट, एट में वन टाइम आता है तो वन वन जा वन, फोर टू जा एट होता है, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट होता है, फोर थ्री जा ट्वेल्व, वन एट जा एट, एट वन जा एट, प्लस कर लेंगे हम, ओके। सिक्स सेवन, सेवन टू नाइन, नाइन एट सेवनटीन, कैरी वन, वन और वन टू अपॉन एट। तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो 27 अपॉन 8 आया, ओके। अब हमारा थर्ड सम, थर्ड है ओनली एक्स, केवल एक्स है, तो हम x इज इक्वल टू जीरो पुट अप करेंगे। तो जहां जहां पर x है वहां पर जीरो पुट अप कर देते हैं, जीरो को थ्री टाइम्स जीरो, जीरो थ्री जीरो, जीरो थ्री से मल्टीप्लाई जीरो प्लस वन, तो केवल हमारा वन आया, तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, वन। इजी है ये वाला सम। नेक्स्ट सम पर चलते हैं। Thank you.
एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो पुट अप कर देते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, माइनस पाई हो जाएगा, प्लस का पाई है, इंटरचेंज हो गया, माइनस पाई, जहां जहां पर एक्स है वहां पर माइनस पाई पुट अप कर देते हैं, सॉल्व करते हैं माइनस पाई, पाई को आप यहां पर एक्स मान लोगे, जैसे वेरिएबल को आप सॉल्व करते हो तो एक्स को क्यूब करते हो तो एक्स की थ्री टाइम्स जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स क्यूब हो जाता है, ऐसे ही यहां पर माइनस पाई क्यूब हो जाएगा, माइनस पाई क्यूब प्लस माइनस माइनस थ्री पाई प्लस माइनस माइनस यहां पे स्क्वायर था हमारा, ओके प्लस माइनस माइनस थ्री पाई प्लस वन, ओके हम देख सकते हैं कि इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो इतना ही रहेगा, तो ये हमारा रिमाइंडर आगे, ओके अब हम करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। इज इक्वल टू में जीरो, फिर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फाइव वहां ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, टू नीचे आ जाएगा, अब हम एक्स की जगह पे माइनस फाइव बाई टू पुट अप करते हैं, ओके माइनस फाइव बाई टू क्यू प्लस थ्री माइनस फाइव बाई टू स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव बाई टू प्लस वन, माइनस फाइव को थ्री टाइम्स लिखते हैं, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, माइनस का साइन, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, टू टू जा फोर प्लस माइनस माइनस, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, टू प्लस वन, माइनस वन टू फाइव एट, ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवेंटी फाइव अपॉन फोर, माइनस फिफ्टीन अपॉन टू प्लस वन, इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम हमारा 8 होगा, 8 की टेबल में 8 वन टाइम, 1 को 125 से करेंगे तो माइनस 125 प्लस 4 की टेबल में 8 टू टाइम्स आता है, 2 की मल्टीप्लाई हम 75 से कर देंगे, 150 माइनस 2 की टेबल में 8 फोर टाइम्स आता है, 15 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 15 फोर जा 60, 1 की टेबल में 8 8 टाइम्स ही आता है तो 8 को 1 से करेंगे तो 8, ओके हम इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस को हम प्लस कर लेते हैं पहले, तो हमारा माइनस 125 है, माइनस 60 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस को अलग करते हैं प्लस, और इन प्लस को भी अलग कर लेते हैं, तो 505 सिक्स टू एट वन, बड़ी संख्या का साइन, माइनस एट प्लस करते हैं तो 158 डिवाइडेड बाय 8, माइनस प्लस माइनस, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 15 कैरी करके 15 माइनस 8 7, 752, ओके बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं और अपॉन 8, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, तो हमारे ये पांचों सम जो थे ठीक है ना वो सॉल्व हुए, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अब हम करते हैं
अपना सेकेंड सम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दैट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। आप देख सकते हो कि आपने जो अभी फर्स्ट सम किया था उसके जैसा ही ये सम है। आपके पास एक पॉलिनोमियल है और आपके पास टर्म है और आपको वही रिमाइंडर निकालना है, तो हम वही सेम मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले हम x माइनस ए को जीरो लेट कर लेते हैं, ओके। x की वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस का a वहां जाकर इंटरचेंज, प्लस का a हो गया। अब जिस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर x है वहां पर हम प्लस का a पुट अप कर देते हैं, ए क्यूब ए स्क्वायर ए माइनस, तो जहां जहां पर x है वहां पर आपने a पुट अप कर देना है। ए क्यूब ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a थ्री टाइम्स हो जाएगा, सिक्स को a से करेंगे सिक्स a माइनस a, ओके। ए क्यूब क्रॉस हो गया, सिक्स a में से a माइनस करेंगे तो फाइव a, तो हमारा यही रिमाइंडर निकल कर आया। तो इसी की तरह था जैसे आपने इससे पहले किया था वैसा ही ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड सम है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। आपको ये चेक करना है कि क्या 7 प्लस 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। हम सिंपली इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले दोनों सम में किया था, जो x की वैल्यू आएगी वो हम यहां पे पुट अप कर देते हैं। अगर हमारा आंसर जीरो आया, मतलब अगर हमारा जीरो जीरो आया, जिसको हम जीरोस के नाम से भी जानते हैं, तो यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। अगर जीरो नहीं आया तो नो, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम वही करते हैं, लेट 7 प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो, ओके। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 7 वहां पर जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस 7 अपॉन 3। अब हम माइनस 7 अपॉन 3 अपने पॉलिनोमियल में पुट अप करके अपना आंसर देखते हैं कि क्या वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम माइनस को थ्री टाइम्स लिखेंगे तो माइनस ही आएगा, सेवन को थ्री टाइम्स करेंगे, सेवन सेवन जो 49, 49 को हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343, थ्री को थ्री टाइम्स, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, प्लस माइनस माइनस, सेवन सेवन जा 49 अपॉन थ्री, थ्री से 27 क्रॉस हो जाएगा, 39 जा 27, ओके। इसके बाद हम यहां कर लेते हैं, हमारा बचा यहां पर 343 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 3, ओके। एलसीएम लेते हैं 9, 9 की टेबल में 9 वन टाइम्स आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो इतना ही आएगा, 343 एज इट इज करेंगे इसको, 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे 49, 3 जा 147, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस करेंगे 7 3 10 कैरी 1 4 1 5 5 4 9 3 1 4, ग्रेटर नंबर बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं हमेशा जब भी प्लस माइनस करते हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 343 आगे माइनस है 9। हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, तो नो, 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px 3x स्क्वायर प्लस 7x। ये हुआ हमारा थर्ड सम, होप आपको ये समझ में आया होगा। आप देख सकते थे कि एक जैसे ही सम है ये तीनों, और आप आसानी से, आप इजली इसको
प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो आपकी क्वेरीज हैं, वो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। थैंक्स।